Hello everyone, welcome to the physics queen. So in the PYQ series for the party section, today we are going to discuss another important problem from the same paper, CSIR UGC NET November 2020. So as you can see the question on your screen, हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको टू वैरायटीज़ है राइसेस की, यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी दोनों का कोस्ट आपको दे रखा है और दो वैरायटी आपको पल्सेस का गिवन है, उनका भी कोस्ट आपको गिवन है 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ पर किलोग्राम. सो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं. जो टाइप ए का राइस है, ठीक है, यहाँ पर टाइप ए का जो राइस है उसका कोस्ट आपको दे रखा है यहाँ पर 30, और ठीक है ऐसे ही टाइप बी का जो राइस है उसका आपको कोस्ट दे रखा है 90 रुपीज़ पर किलोग्राम. ठीक, ऐसे ही जो पल्स हमारा सी है उसका कोस्ट आपको दे रखा है 100 रुपीज़, और पल्स जो डी है गाइस उसका कोस्ट आपको दे रखा है 120 रुपीज़ पर किलोग्राम. अब उसने जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें वो आपको बोलता है कि टाइप ए और बी का जो राइस है उसका 1 किलोग्राम आपको लेना है, और जो पल्सेज है सी एंड डी उसके लिए आपको दे रखा है 0.5 किलोग्राम उनका आपको कलेक्ट करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम आप टाइप ए का लेते हैं तो टोटल कोस्ट कितना होगा 1 × 30. ठीक, ऐसे ही 1 किलोग्राम टाइप बी का ले रहे हैं तो 1 × 90, और ठीक ऐसे ही 0.5 किलोग्राम आप टाइप सी का पल्स ले रहे हैं तो 1/2 × 100 होगा, और ठीक ऐसे ही 1/2 किलोग्राम आप ले रहे हैं टाइप डी के लिए तो 1/2 × 120. गाइस इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 230 सिंपली. ठीक है, 230 आपका जो है वो ये कोस्ट पड़ने वाला है. बट इस केस में टोटल हमने कितना किलोग्राम लिया है, 1 किलोग्राम + 1 किलोग्राम, 0.5 and 0.5, तो टोटल हमने 3 किलोग्राम का मिक्सचर लिया है. लेकिन क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 5 किलोग्राम यदि हम लोग ये मिक्सचर लें तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम कोस्ट क्या होगा. सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कोस्ट है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पल्स ऑफ टाइप डी का है ना, जिसका 120 रुपीज़ पर किलोग्राम है. सो यदि हमें मैक्सिमाइज करना है कोस्ट को तो जो रिमाइनिंग आपके 2 किलोग्राम बचते हैं, बिकॉज 3 किलोग्राम तो ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया है 1 + 1 और यहाँ पे 0.5 + 0.5. अब रिमाइनिंग जो 2 किलोग्राम्स होंगे वो आप टाइप डी पल्स के कलेक्ट करिए तो आपको मैक्सिमम कोस्ट मिलने वाला है. सो 230 और प्लस में आपका ये आपके रिमेनिंग 2 किलोग्राम है, बिकॉज 3 किलोग्राम हमने ऑलरेडी ले लिया है, और ये 2 किलोग्राम आप पल्स ऑफ टाइप डी के कलेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम कोस्ट मिलेगा. सो आप इसको सॉल्व करिएगा आपको मिलेगा 470 रुपीज़, ये कोस्ट आपका मैक्सिमम होगा. सिमिलरली गाइस हमें मिनिमम कोस्ट लेना है. सो 230 का कॉम्बिनेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. अब जो रिमाइनिंग आपके 2 किलोग्राम्स होंगे वो सबसे लीस्ट कोस्ट का ग्रेन होना चाहिए जिससे कि हमारा कोस्ट मिनिमम बन जाए. सो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 किलोग्राम आपके जो रिमाइनिंग थे ये आप सबसे जो यहाँ पे मिनिमम कोस्ट का ग्रेन है वो राइस ऑफ टाइप ए है 30 रुपीज़ पर किलोग्राम. सो 2 × 30 करिएगा सो यहाँ पे आपको मिलेगा 290. सो ये कोस्ट आपका मिनिमम कोस्ट होगा इस मिक्सचर के लिए जो कि 5 किलोग्राम का होगा. सो क्लियरली आप देख सकते हैं चॉइस सी विल बी करेक्ट वन. सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ विथ योर कलीग्स विथ योर मैट्स ऑल्सो.